से है जापू भूकंप से गिरी बिल्डिंग। लखनऊ में भूकंप से गिरी बिल्डिंग इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से मचा हड़कंप। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली एनसीआर में कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। भूकंप से लखनऊ में गिरी बिल्डिंग, 30-40 लोगों के दबे होने की आशंका। खबर लखनऊ से है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के वजीर हसन रोड में हादसा। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां बिल्डिंग गिरी है, सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान। घायलों को समुचित इलाज कराने के दिए निर्देश। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, सीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लखनऊ में भूकंप से गिरी बिल्डिंग। लखनऊ में दर्दनाक हादसा, भूकंप से गिरी बिल्डिंग, बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से मचा हड़कंप। खबर लखनऊ से है, मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। भूकंप के झटके आज महसूस किए गए थे। आपको बता दें 30-40 लोगों के दबे होने की आशंका। भूकंप से लखनऊ में बिल्डिंग गिरी है और इस खबर पर अधिक जानकारी है। हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए करीब 2 बजे दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश में कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही बिल्डिंग गिरने की। विभांशु, देखा जाए तो करीब 2 बजे दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में कई जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, वहीं लखनऊ से खबर आ रही है कि भूकंप से बिल्डिंग गिरी है। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी नंदनी, आपको बता दें कि लखनऊ के वजीरगंज स्थित जगह पे आज आपने देखा कि भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर समेत नेपाल में देखने को मिले। उसके ठीक बाद कहीं ना कहीं इसका प्रभाव राजधानी लखनऊ के वजीरगंज स्थित आलिया अपार्टमेंट में दिखा। आपको मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार आप दिखाएं कि ठीक सामने वो अपार्टमेंट है जहाँ ये हादसा हुआ है। और आपको बताएं कि लगभग दर्जनों की संख्या में लोग इसमें फंसे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 3 लोग की अब तक मृत्यु की खबर, हादसे की शिकार होने की खबर आई है। वहीं आपको बताएं कि राहत बचाव का कार्य बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लेकर अब मामले को कहीं ना कहीं देखिए तो तेजी के साथ बात करने के कहे हैं। आपको बताएं कि मौके पर लखनऊ मध्य के विधायक रविदास, 50-60 लोग हैं जो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। अगर जल्दी से उनको निकालने का प्रयास हो जाएगा तो वो जीवित बच जाएंगे। सारा मलबा गिरा हुआ है, रास्ता बंद है और जो लोग निकाले जा रहे हैं उनको निकाल लें आगे दूसरे रास्ते से। और हैदर अब्बास साहब जो है सापा के प्रवक्ता हैं, वो तो बाहर हैं, वो अंदर नहीं है। उनके पिताजी अंदर हैं, वो दबे हुए हैं, उनकी पत्नी है, पत्नी है और उनके परिवार के और बच्चे घर के अंदर हैं। किसान हैदर जी के, जी हाँ, ये बताइए रविदास जी, रविदास जी क्या कोई उसके बाद बातचीत किसी से उन्होंने किया? क्या फैमिली के कौन कौन से लोग हैं? हैदर अब्बास जी के पिताजी जो हैं वो मलबे फंसे हुए हैं, अभी वो जीवित हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा जल्दी अगर मलबे से हमको बाहर निकाली जाएगा तो हम बच जाएंगे। उनकी बहू भी है, हैदर अब्बास साहब की पत्नी भी है, बच्चे भी है। जी हाँ, उस्मा हैदर जो है अभी जीवित है और मलबे के अंदर अगर मलबे को निकाल करके उनको बाहर निकाल लेंगे तो लोग जीवित बच जाएंगे। उनके पिताजी ने क्या बताया, कितने लोग फंसे होने की बात कही? 50-60 लोगों के फंसे होने की संभावना है और ये जानकारी मिल रही है कि 3 लोग जो हैं उनका शव निकला है। कितने लोग बाहर निकले हैं सुरक्षित, कोई जानकारी? अभी सुरक्षित कोई निकल नहीं पाया है क्योंकि सुरक्षित लोगों को निकालने के लिए बताइए कि जो आमिर अब्बास है, जो प्रवक्ता है आपके, उनके पिताजी अंदर हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया? कैसे गिरी बिल्डिंग, कैसे गिरी, इसके बारे में कुछ बताया? सापा के जो प्रवक्ता है हैदर अब्बास साहब, उनके पिताजी अंदर मलबे के दबे हुए हैं और उनकी पत्नी दबी है मलबे के अंदर। उन्होंने कहा कि 50-60 लोगों के मलबे में दबे होने की संभावना है। ये कोई जानकारी मिल नहीं पाई है कि बिल्डिंग कैसे गिरी है, इसकी तो जांच होगी कैसी बिल्डिंग गिरी है, लेकिन
अभी मलबे के अंदर जो 50-60 लोग फंसे हुए हैं उनको अगर ठीक से निकाल लिया जाएगा तो वो जीवित बच जाएंगे, उनके बच्चे हो। जहाँ पर सारा मलबा गिरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो लोग हैं जो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, हम वहाँ तक गए, पूरा रास्ता बनाया जा रहा है, उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपने देखा कि यहाँ रविदास मल्होत्रा थे जो लखनऊ मध्य के विधायक, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो घटना स्थल का निरीक्षण करके आए हैं और वहाँ जो घटना हुई है उस जगह पर जाकर और यथा स्थिति को बता रहे थे कि अंदर जो कांग्रेसी नेता जिसान हैदर के परिवार के कुछ सदस्य थे उनके दबे होने की बात कह रहे थे। वहीं आपको बताएं कि जो राहत बचाव का कार्य है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। ठीक पीछे मैं अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि एनडीआरएफ साथ साथ एसडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई है और एम्बुलेंस की टीमें यहां लगातार आ रही हैं। साथ ही में आपको बता दूं कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और लगातार एम्बुलेंस की जो गश्त है वो लगातार मौके पर। अगर बात की जाए तो दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंसों को लगाया गया है, साथ ही साथ राहत बचाव कार्य के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को यहां पे रवाना कहूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो सड़क को छोड़ के खड़े रहे जिससे आम जनमानस को यहां दिक्कत ना हो। बात की जाए तो मैं तस्वीरों में आपको तो कहूंगा दिखाएं कि एसडीआरएफ की टीम एनडीआरएफ की टीम ठीक सामने जो घटना स्थल है वहां जाकर और राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लगभग दर्जनों लोग अंदर फंसे हुए हैं और लगभग 3 लोगों की मृत्यु अब हो चुकी है इस घटना में। वहीं आपको बताएं कि लखनऊ के सिविल अस्पताल में रिजर्व करके वहां के डायरेक्टर ने बाइट जारी करके कहा है कि हम अस्पतालों के अंदर में सीटों को रिजर्व किए हैं और कहीं ना कहीं देखें तो पूरी तरह से लोहिया अस्पताल पूरे मामले पर तैयार है कि अगर कहीं कुछ अनहोनी हो तो वो पूरी तरह से काबू ले सके। वहीं अब बात की जाए तो आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि हर एक दल के नेता यहाँ आ रहे हैं और अपनी संवेदनाएं दे रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि अभी बात करें तो ये भूकंप की जो वजह बताई जा रही है घटना की, और साथ ही कहा जा रहा है कि जो ये आलिया अपार्टमेंट था वो उसके अंदर में बेसमेंट में खुदाई चल रही थी, वो भी वजह बताई जा रही है कि इसकी वजह से घटना हुई है। मगर ये कहीं ना कहीं जाँच का विषय है, वो जाँच के बाद ये साफ होगा। हम लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा से बात संवाद करने का प्रयास करेंगे। तो जिंदा लोग निकल आएंगे। अभी स्थितियां अंदर देखा, क्या मिला? अंदर जो बिल्डिंग पूरी गिरी थी उससे रास्ता बंद हो गया है, अंदर लगभग 50-60 लोगों के दबे होने की संभावना है और 3 लोगों की उसमें तो क्या 3 लोगों की मृत्यु हो गई। शव हो बात की जाए तो कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया? अभी देखिए वहां पर रास्ता बनाया जा रहा है, अभी जहां पर लोग फंसे हुए दबे हुए हैं वहां तक रास्ता बन रहा है, जो लोग उसमें जीवित निकलने का काम उनको हो जाएगा। तो अभी वो जीवित हैं, हैदर अब्बास साहब के पिताजी जो हैं वो अभी जीवित हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा बहुत जल्दी मलबा हटा करके हम लोगों को निकालने का काम हो जाएगा तो सब जिंदा बच जाएंगे। देखिए जो अंदर दबे हुए सब हैं या लोग हैं उनको अभी निकालने की कार्रवाई तेज नहीं हो पा रही है, जो लोग फंसे मलबे के अंदर उनको निकालने की कार्रवाई तेज हो, रास्ता बनाया जाए। हमने अधिकारियों से बात करी है, रास्ता बनाने का काम हो रहा है, अभी वो लोग अंदर जीवित हैं, जो अंदर जीवित हैं हैदर अब्बास साहब के पिताजी, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा जल्दी ही अगर मलबा हट जाएगा तो सभी लोग जिंदा बच जाएंगे। जानकारी बता रहे हैं ये एलडीए की योजना थी, ये एलडीए की योजना में यहाँ पर ये आवासीय तो लापरवाही कॉलोनी थी, निश्चित रूप से इसमें जो है वो एलडीए की लापरवाही होगी। अभी ये देखा जाएगा कि बिल्डिंग में नक्शा कैसे पास हुआ, कितना बना, और जैसे बिल्डिंग गिरी है उससे लगता है निश्चित रूप से इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। और एक स्क्वायर फीट के पिलर पर ये बिल्डिंग खड़ी थी, प्रति पिलर 1 स्क्वायर फीट का था, क्या कहना चाहेंगे कि कितनी संलिप्तता है? अब इसकी पूरी जांच हो, जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लापरवाही के कारण से बिल्डिंग गिरी है और अभी उस बिल्डिंग के अंदर 50-60 लोग लगभग अभी जीवित हैं। अभी ये रास्ता बना रहे हैं, मलबा जो गिरा हुआ है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग कई मंजिला थी, जो गिरे हैं लोग तो बिल्डिंग के अंदर दबे हुए हैं,
कुछ लोग नीचे थे, कुछ लोग ऊपर थे। अभी मलबा निकलने के बाद मालूम पड़ेगा। खुदाई की भी बात सामने आ रही है कि यहाँ पे खुदाई चल रही थी, बेसमेंट का काम चल रहा था। अगर ये तो जांच क्या बात होगी, क्योंकि मलबा पूरा गिर गया है। अगर खुदाई हो रही होगी, बेसमेंट बन रहा होगा, तो पूरे मलबे से पट गया है ऊपर का मलबा जो है। तो अब देख सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा को। मौके पर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अशोक सिंह जी हैं। अशोक सिंह जी, आप घटनास्थल पे गए, वहां देखे क्या यथा स्थिति है, क्या आप अंदर बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का ये घर था, उसको लेके आप क्या कहेंगे, क्या संवाद हुई आपकी? देखिए अब्बास हैदर साहब वो उस पर मलबे पर हृदय विराधक घटना है। अभी तो ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर से उम्मीद कर रहे हैं कि सबको सकुशल बचाया जाए। अभी राजनीति में और कोई बयान देने की बात नहीं, मगर हम ईश्वर से प्रार्थना चाहते हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, मीडिया अपना काम कर रही, मगर दुख का वक्त है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सकुशल निकल आए, बस यही उम्मीद है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि सब चीज़ें जो यथास्थिति है उसमें सुधार आए। साथ ही उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी भी फैमिली अंदर फंसी हुई है, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो राहत बचाव कार्य है उसको बहुत ही तेजी के साथ किया जा रहा है। और अभी अगर बात करें मौके पर तो NDRF, SDRF और कहीं ना कहीं देखें तो पूरा सुरक्षा के जो राहत बचाव के कार्य हैं में तेजी है। और बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे ठीक सामने वो अपार्टमेंट है जहां ये हादसा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो मौके पे पुलिस के आला अधिकारी भी हैं। आइए सुनाते हैं कि इनका क्या कहना है आज की घटना पे और क्या कार्रवाई की जा रही है। कार्य लगातार चल रहा है। कितने लोग फंसे हैं? कितने लोग हैं सर अंदर फंसे? कितने ये नहीं बताया जा सकता क्योंकि इस तरह की जानकारी देने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। निकाले अलग 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 परिवार रह रहे हैं, करीब 12 परिवारों के रहने की बात है 4 मंजिला बिल्डिंग में। तो एग्जैक्ट तो जानकारी पूरा रेस्क्यू वर्क खत्म हो जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी बाहर निकाले गए कितने लोग? अभी तक 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और किसी नहीं, कोई डेथ की कोई सूचना नहीं, अभी कोई कैजुअल्टी नहीं है। अभी कोई अगल बगल की बिल्डिंगों को खाली कराया गया सर, क्योंकि अगल बगल बिल्डिंगें भी काफी रिस्की है। रेस्क्यू वर्क में अभी ये सब बात की कार्रवाई है, अभी तो रेस्क्यू के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो की जा रही है, प्रायोरिटी हमारी वो है। इसके बाद और सब देखा जाएगा जो है। सर बेसमेंट में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था? नहीं, ग्राउंड फ्लोर में कुछ काम चल रहा था। अब उस काम की वजह से ये बात हुई है, क्या हुई है वजह क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, कुछ कह रहे हैं भूकंप की वजह से, नहीं अभी तक कोई ऐसी बात नहीं। भूकंप की सूचना 2:30 बजे के आसपास की आ रही है, अगर उसको लेकर के कोई होता तो तत्काल हो गया होता। अब वो ये सारी बातें तो बात कुछ अंदाजा लग रहा है कि कौन सी वजह हो सकती है, भूकंप है या फिर कोई काम चल रहा है। एक वजह तो क्लियर है कि बिल्डिंग क्या अभी वर्क चल रहा था वो कारण हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, ये अभी हमारी प्रायोरिटी। अच्छा सर, ये 4 मंजिला बिल्डिंग है या 5 मंजिला, और कहते हैं ऊपर भी एक पेंट हाउस जैसा बना था। अभी 4 मंजिला की बात सामने आई है, क्योंकि कोलैप्स की हुई है, ये सारी फाइनल बातें तो ये बाद में आएंगी। प्रायोरिटी हमारी और आप सबकी भी, अभी रेस्क्यू वर्क को एक अच्छे से चलने दिया जाए। तो रेस्क्यू आपके हिसाब से ठीक ठाक चल रहा है? हमारा टाइम कुछ अंदाजा, इसको इतना वक्त लग सकता है? नहीं बताया जा। अच्छा, कौन कौन टीमें लगी हैं? कितनी टीमें लगी हैं सर? कहाँ कहाँ फायर सर्विस के अलावा जो SDRF है, NDRF है, मेडिकल टीमें हैं, जिला पुलिस की टीमें हैं, सारे लोग लगे हुए, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लगा हुआ, DG फायर सर्विस में मौजूद है। बहुत धन्यवाद। देखिए ये DIG तो आपने सुना, DIG लखनऊ का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राहत बचाव के जो कार्य हैं वो बहुत ही तेजी के साथ किए जा रहे हैं। और बात की जाए तो मौके पर हर एक यथासंभव जो बल है उसको तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ ज्यादा होने की वजह से प्रशासन को कहीं ना कहीं रस्सियों के सहारे से एक बाउंड्री बनाया जा रहा है, जिससे भीड़ कहीं ना कहीं यहाँ कंट्रोल हो सके। बात करें तो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी यहाँ एकत्रित होकर और पूरे इस हादसे को देखने के लिए एकत्रित हुए, जिससे कहीं ना कहीं रेस्क्यू में जो NDRF है, SDRF है, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी नंदनी, जी विभांशु, नजर बनाए रखिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।